तो पीएम मोदी के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ही अमेरिकी मीडिया में इस बारे में लिखा भी जा रहा है, यानी कि अमेरिका में चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। अमेरिका की प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने लिखा है कि फ्रांस और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के बाद मोदी तीसरे नेता हैं जिन्हें व्हाइट हाउस में ऐसा वेलकम मिलेगा। ये भी लिखा गया है कि दोनों देशों की कोशिश है कि रिश्तों को और मजबूत किया जाए। भारत की कोशिश है कि दोनों देश साथ मिलकर हथियारों का प्रोडक्शन करें। अमेरिका ने भारत में सेमीकंडक्टर और चिप में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। अमेरिकी कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं और दोनों देश मिलकर चीन का मुकाबला कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका में नेता, एक्सपर्ट्स से लेकर मीडिया तक, सबकी बातों में आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी और वो ये है कि दोनों देशों के रिलेशन नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से अमेरिका का जोश जबरदस्त है, अमेरिका जोश में है, तो चालबाज चीन की नींद उड़ी हुई है। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो भारत को भड़का रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और मान सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका में मोदी चिढ़ गया चीन, बीजिंग की बोलती बंद, बाइडेन बोले मोदी मोदी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दिल जल रहा है, आंखें चुधिया रही हैं, ड्रैगन को डर लग रहा है क्योंकि पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर है। चीन का डर ऐसा है कि उसने ये तक गिनाना शुरू कर दिया है कि भारत के पीएम मोदी अमेरिका में पहली बार नहीं बल्कि छठी बार गए हैं। उनके भव्य स्वागत की तैयारियां हुई हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं। चीन ने अपनी जलन लाख छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन जिनपिंग सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में संपादकीय लिखा गया है, कहा गया है कि चीन के खिलाफ अमेरिका चाल चल रहा है लेकिन बाइडेन फेल हो जाएंगे। जब भारत उनके साथ जुड़ने की कोशिश करता है या भारत और अमेरिका की दोस्ती बढ़ती है तो चीन अक्सर परेशान होकर, उनको लगता है कि शायद ये दोस्ती चीन पर एक तरह से अंकुश लगाने की कोशिश की तरह पे कदम है। दरअसल इस बार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह चीन को मिर्ची लग गई है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत को अमेरिका चीन के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत के साथ साझेदारी कर अमेरिका खुद को मजबूत करना चाहता है और दुनिया में चीन के विकास को रोकना चाहता है। जिनपिंग को लगता है कि चीन की मजबूत अर्थव्यवस्था पर कोई चोट नहीं कर सकता। जानकारों की माने तो जिनपिंग को पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के जरिए कड़ा संदेश मिल रहा है। भारत का यदि प्रभाव बढ़ता है और क्योंकि चीन और भारत रिश्तों में लगातार तनाव रहता है तो जाहिर है भारत की बढ़ती हुई जो साख है, छवि है, प्रभाव है, उसको लेकर चीन को चिंता होगी और उससे उनको लगेगा कि उन पर जो है वो एक तरह से चुनौती बढ़ने वाली है भारत को लेकर। इस बीच पीएम मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू देकर चीन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता जरूरी है। भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान में विश्वास रखता है। दरअसल चीन अपनी चालबाजी और धोखेबाजी के लिए दुनिया जहां में बदनाम है, ऐसे में चीन की किसी भी बात को अच्छे से समझने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। पीएम मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के जरिए चीन को खरी खरी सुनाते हुए ये भी कहा है कि भारत किसी भी मतभेद और विवाद के कानूनी और शांतिपूर्ण हल का पक्षधर है, लेकिन अपनी संप्रभुता और मान सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और समर्पित भी है। आप समझ सकते हैं कि चीन प्रोपेगेंडा चलाकर पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को अपने तंग नजरिए वाले चश्मे से देख रहा है, जबकि पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हम भारत को दुनिया में उसकी सही जगह पाते देख रहे हैं। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। अब आपको बताते हैं कि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स क्या बातें बना रहा है और पीएम मोदी कैसे अपने इंटरव्यू के जरिए सख्त संदेश दे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक
भारत को अमेरिका चीन के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पीएम मोदी ने जवाब दिया है कि हम भारत को किसी अन्य देश के पिछलग्गू के रूप में नहीं देखते। ग्लोबल टाइम्स ये भी कह रहा है कि भारत के साथ साझेदारी कर अमेरिका खुद को मजबूत करना चाहता है, चीन के विकास को रोकना चाहता है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान में विश्वास रखता है। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में स्थिति को भारत या किसी दूसरी अर्थव्यवस्था से बदला नहीं जा सकता है, जबकि पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि सप्लाई चेन में और विविधता लाने की जरूरत है। यही नहीं, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए चीन की जरूरत कदम कदम पर है, लेकिन चीन भूल रहा है कि यह आज का भारत है, नया भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।